क्या सेक्स करने की कोई उम्र होती है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यूजली 45-50 साल के लोग जब हमें कंसल्ट करते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई हमको प्रॉब्लम है, सेक्स के बारे में इरेक्शन जितना चाहिए उतना नहीं आता है, या जल्दी वीर्यपात हो जाता है, तो उनमें और एक प्रॉब्लम वो बताते रहते हैं इसके साथ साथ, वो ये कि कभी कभी उनकी इच्छा होती है मगर फिर उनकी पत्नी उनको साथ देती नहीं है, या उनको ना बोलती है, नकारती है। अभी उनको पूछा कि भाई क्यों ऐसा, क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं ये क्या उम्र है क्या सेक्स करने की, अभी आप 50 साल के हो गए, बूढ़े हो गए, मैं भी 45 साल की हो गई, मेरी भी महामारी बंद हो गई है, अभी ये क्या उम्र है क्या, और इसलिए फिर वो नहीं बोलती है, अच्छा नहीं लगता, ये क्या उम्र, मतलब हमारे ऊपर संस्कार ऐसे हो गए कि भाई उम्र ज़्यादा हो गई तो सेक्स नहीं करना, अच्छा नहीं दिखता। मराठी में उसको बोलते हैं म्हातारचढ़, म्हातारचढ़ मतलब बुढ़ापे में ऐसा एक लत लग गई है तुमको कि तुम सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा एक औरतें बोलती रहती है। एक्चुअली देखिए कि एक बार लड़का यदि पुरुष बन जाता है जो उम्र के 13-14 साल में होता है, बाद में 18-20 साल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको होता है, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, इरेक्शंस बहुत बार बार आते रहते हैं, लैंगिक कठोरता आती है, सपने में भी आएंगी, दिन में भी आएंगी, कोई लड़के देखेंगे तो आएंगी, कोई आवाज़ सुनेंगी तो आएंगी, फ़ोन पर बात करेंगे तो आएंगी, ऐसे बहुत स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। फिर जैसा जैसा वो बड़ा होते रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नौकरी के लिए घूम रहा है, या फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जमाने की मार, ज़िंदगी की ठोकर बहुत बैठे रहती है, और फिर उसमें तनाव, चिंता, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा तो और ज़्यादा, और फिर उसमें नेचुरली सेक्स का इंटरेस्ट कम होता रहता है, क्योंकि जब तक दिमाग में स्ट्रेस है तो इधर नीचे तनाव नहीं आता है, तनाव यहाँ है तो तनाव नीचे नहीं आएगा, तो फिर वो उसको तनाव आता नहीं है, फिर एक आधी बार समझो वो फेल हो गया, मतलब इरेक्शन ही नहीं हुआ, लैंगिक कठोरता नहीं आई, एक आधी बार नहीं जमा उसको, तो उसको एकदम धसका बैठ जाता है कि अरे बाप रे क्या हो गया, मेरी उम्र 35 साल की है और मैं आज कर नहीं सका, हुआ क्या, और फिर उसको एकदम डर लगने लगता है कि मैं आदमी में तो नहीं हूँ, आदमी से निकल तो नहीं गया मैं, तो ऐसा उसको डर लगता है। तो ऐसे इसमें फिर यही आपने देखना चाहिए सब लोगों ने कि भाई ये उम्र के हिसाब से और टेंशन के हिसाब से, मेनली टेंशन, स्ट्रेस, डर, भय, चिंता, फिकर, आपस में नहीं पटना, इसके वजह से इरेक्शन नहीं आता है, और एक बार समझो नहीं आए इसका मतलब तुम काम में से गए ऐसा नहीं होता है, मगर यूजली इच्छा कम होती जाती है। फिर 45-50 हो गया तो और ज़्यादा बोझ, और ज़्यादा जवाबदारियाँ, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चों की शादी की उम्र हो जाती है, उनको कहीं नौकरी लगा के देना है, या कोई डोनेशन देना है, या वो भी एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, तो ऐसा करते करते फिर इच्छा कम होती जाती है, और ऐसा मगर कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि उम्र के 60 साल में परदेश में तो करती है, हमारे इंडिया में भी शादी करते हैं फिर से, क्योंकि 60 साल उम्र है और पत्नी गुजर गई, पत्नी गुजर गई तो अभी क्या करना है, अकेले रह सकते नहीं है, क्योंकि वो जो इच्छा है कि भाई कंपेनियन होना, पार्टनर होना, सेक्स की इच्छा है वो पूरी होना, तो फिर वो पार्टनर ढूंढते हैं और शादी कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति ऐसे थे कि जो काफ़ी बड़े नामी व्यक्ति थे, उनकी पत्नी मर गई, बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चों के मन के खिलाफ उन्होंने शादी ज़बरदस्ती कर ली है, क्योंकि बच्चों को उन्होंने बोला कि भाई ठीक है तुमको लगता है कि मैंने शादी नहीं करना चाहिए, मगर मुझे शादी करना है, मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो मैं शादी करूँगा, और उन्होंने ऐसी एक विडो थी जिसका हस्बैंड मर गया तो उसके बाद में शादी कर ली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई उम्र के हिसाब से आप एंजॉय नहीं कर सकते। और वैसे औरतों का है, औरतों का क्या होता है कि भाई 12-13 साल में उनकी एमसी शुरू हो जाती है, महावारी शुरू हो जाती है, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार होना शुरू हो जाते हैं, जांघ में बाल, कांख में बाल, ब्रेस्ट बड़ी होना, तो ये आवाज़ थोड़ा बड़ा हो जाना, ऐसे काफ़ी सारा मतलब डेवलपमेंट होते जाते हैं, और 17-18-20 ये साल ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, वो मास्टरबेशन भी चालू करती है, मेल्स भी मास्टरबेशन लड़के चालू कर देते हैं। और फिर बच्चे क्या होता है कि जैसा शादी हो गई और शादी के काफ़ी सारे लोगों को पहले 1-2 साल में बच्चा हो जाता है, फिर बच्चों में वो मशगूल हो जाती है, सेकंड बच्चा भी हो जाता है, फिर उसमें भी बिजी हो गए, फिर क्या होता है कि बच्चों का देखभाल करना, रात बेरात जगना, फिर उसका इंटरेस्ट हस्बैंड में कम हो जाता है।
फिर धीरे धीरे उम्र के हिसाब से जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है, बच्चों की जवाब जिम्मेदारियाँ हो जाती है और इंटरेस्ट कम होता जाता है, फिर आता है मेनोपॉज, जब उनका पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और उम्र हो जाती है 45। और फिर उस समय क्या होता है कि योनि जो है वो एकदम सूखी हो जाती है, सेक्स की इच्छा भी कम हो जाती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और जब सेक्स की इच्छा नहीं है, दिमाग के ऊपर टेंशन है, लोड है, बहुत स्ट्रेस है, योनि भी एकदम सूखी हो गई है, तो फिर उसकी इच्छा होती नहीं है और उसको लगता है कि अभी ये उम्र अपनी निकल गई, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अभी अच्छा लगता नहीं है और इसलिए फिर वो तैयार नहीं होती। तो उनका भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मतलब उम्र हो गई तो सेक्स करना नहीं, ऐसा नहीं है। कितने भी उम्र तक सेक्स एंजॉय कर सकते हैं, सेक्स के लिए कोई उम्र की मर्यादा है नहीं। जब तक इच्छा है तब तक सेक्स करो। इच्छा है और काम नहीं कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो इलाज करो और लाइफ एंजॉय करो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।